तो गाइस मेरे दोस्त की कॉल आ चुकी है, तो चलो चलते हैं। और भाई जिम कब से स्टार्ट कर रहा है? अभी बहुत टाइम के बाद आ रहा है जिम। तो गाइस काफी थक चुका हूँ मैं। व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, सनसेट का व्यू काफी सुंदर आता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीलॉग में। आज का वीलॉग काफ़ी मस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया हुआ है। वो काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, 5 से 6 महीने के बाद। और उसने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है, अभी तक मैं उसका रेस्टोरेंट गया नहीं हूँ। और उसने मुझे कॉल किया था कि मैं तुझे पिक करने आ जाऊँगा और हम साथ में जिम जाएंगे। और आज हम थोड़ा सा जिम जाएंगे, जिम का भी थोड़ा सा व्लॉग होगा। और उसके बाद हम जाएंगे, उससे मिलने जाएंगे और उसके रेस्टोरेंट पे बैठेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और गपशप मारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस मेरे दोस्त की कॉल आ चुकी है, तो चलो चलते हैं। वो मेरा वेट कर रहा है, चलिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं गाड़ी में और मेरा दोस्त भी मेरे साथ बैठा है, आप देख सकते हैं। यही है मेरा वो दोस्त लंगोटिया यार, जिसे कहते हैं। तो बचपन से हमने साथ में ही पढ़ा है और काफी टाइम के बाद मैं इससे मिल रहा हूँ। और इसने नया रेस्टोरेंट भी खोला है। जिस टाइम इसने रेस्टोरेंट खोला था तो उस टाइम में यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इसने मुझे कॉल भी किया था और इनवाइट भी किया था। तो चलिए आज इसने इनवाइट किया है। आज हम पहले से यहाँ जिम जाएंगे, जिम से वापस आके हम सीधा इसके रेस्टोरेंट जाएंगे और वहां पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, गपशप मारेंगे और आप भी इस व्लॉग का मजा लें। तो ये देखिए मेरा दोस्त, इसका नाम दानिश है, बचपन से हमने साथ में पढ़ा है। और दानिश भाई क्या हाल चाल है? बहुत टाइम बाद हम मिले यार। और भाई जिम कब से स्टार्ट कर रहा है? अभी बहुत टाइम के बाद आ रहा है जिम। दूसरा दिन है मेरा जिम का। अच्छा, तो गाइज हमें यहाँ से 2 से 5 मिनट अभी जिम तक लगेंगे और मेरा दोस्त भी मेरे साथ आएगा और हम साथ में आज जिम करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमेंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी जिम में, अब हम जिम करेंगे यहाँ से। अभी हम आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे और जिम के भी 2-4 शॉट्स में आपको दिखाता हूँ। हेलो No.
गाइस काफी थक चुका हूँ मैं। तो गाइज हम आ चुके हैं जिम से, जिम हमारी खत्म हो चुकी है, अभी हम जाएंगे सीधा पेट्रोल पंप। थोड़ा सा दानिश ने गाड़ी में पेट्रोल डालना है और उसके बाद हम जाएंगे सीधा दानिश के रेस्टोरेंट। चलिए चलते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी दानिश के रेस्टोरेंट पे। अभी चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से सनसेट का व्यू काफ़ी सुंदर आता है, पर आज बादल छाए हुए हैं। थोड़ा सा ट्राई करता हूँ तब भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं बैक से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए गाइज ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा येलो येलो कलर की लाइट, यहाँ पे सनसेट होता है। यहाँ पे अभी व्यू तो नहीं आ रहा है क्योंकि अभी बादल छाए हुए हैं। ये देखिए अभी आसमान पे बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे सनसेट का व्यू काफी सुंदर आता है। तो गाइज इस रेस्टोरेंट की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, ये पूरा ओपन रेस्टोरेंट है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा ओपन है और यहां से व्यू जो है वो काफी बढ़िया आता है। यहां से व्यू काफी मजा आता है व्यू देखने में। यहाँ से ये देखिए पहाड़ियों का व्यू भी कितना सुंदर आ रहा है यहाँ से, और ये पूरा ओपन रेस्टोरेंट है सामने से। गाइज मैं आपको इस रेस्टोरेंट का पूरा शॉट आपको मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, पूरा आपको मैं बता दूंगा आगे मेरी वीडियोस में। अगर आप डोडा से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप विजिट करें इस रेस्टोरेंट पे, और यहाँ का KFC तो बहुत लाजवाब बनता है। KFC चिकन मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, मलाई टिक्का, मोमोज, अफगानी यहाँ के बहुत बढ़िया होते हैं। तो गाइज डू विजिट दिस रेस्टोरेंट एंड एन्जॉय द ओपन स्पेस। तो गाइज मैं आपको आज बताता हूँ कि अफगानी मोमोज कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए पहले हमने मोमोज को फ्राई किया, उसके बाद हमें जो अमूल करीम है वो
कढ़ाई में डाल दी और उसके बाद हमने जो फ्राइड किए हुए मोमोज थे वो हमने इसमें मिक्स कर दिया और हमें उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद अफगानी मोमोज तैयार हो जाते हैं। गाइज ये देखिए मेरे दोस्त ने खुद से कॉफ़ी तैयार की है और ये देखिए मोमोज भी इसने खुद से बनाए मेरे लिए। चलिए बैठ के थोड़ा सा खाते हैं और गपशप मारते हैं। तो गाइज मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छे मोमोज बनाए और कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा कुक है और आज मैंने पहली बार देख लिया कि ये इतना अच्छा कुक है, मज़ा आ गया खाने में। तो गाइज ये मेरा दोस्त है, हम काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं और हमने बचपन से ही साथ में पढ़ा था। जैसे मैंने आपको पहले कहा था वीडियो में कि मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ, हम बचपन से ही साथ रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद आज मिल रहे हैं हम। उसने नया रेस्टोरेंट भी खोला है और मैं पहली बार इसके रेस्टोरेंट पर आया हूँ। सुना था यहाँ के बारे में, KFC का चिकन मलाई टिक्का और मोमोज काफ़ी अच्छा बढ़िया बनाता है और मैंने खाया भी, जैसे कि मैंने इसमें वीडियो में भी आपको दिखाया है। अगर आप डोडा से हैं तो ज़रूर विज़िट करें आप यहाँ पे। देन बहुत अरसे बाद हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक साथ। सो वकारियस कैसा लगा आपको हमारा ये कैफे? काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा भी आया यहाँ पे, एंजॉय भी किया हमने। थोड़ा सा भाई की रेसिपी भी देख ली कैसे बनाते हैं क्या है, वो दिखा नहीं पाया मैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, रेसिपी हम दिखा नहीं सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द फूड एंड व्हाट अबाउट द व्यू? यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है सनसेट का वो काफ़ी बढ़िया आता है और यहाँ पे बैठने में अलग ही मज़ा आता है क्योंकि ओपन सब है, पूरा व्यू आता है, डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा व्यू आता है, पहाड़ियों का अच्छा व्यू आता है। ये बताएं कि हमारा जो डिसीजन है आउट ऑफ सिटी, हम आउट ऑफ टाउन ये यहाँ पे खोला हुआ है। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये कहने का, यहाँ पे बहुत कंजेक्टिव जगहें हैं डोडा में बैठने के लिए, यहाँ पे बहुत कंजक्शन है। सो हमने एज अ पॉइंट, हमने व्यू पॉइंट यहाँ पे ओपन किया है कि चलो भाई फैमिलीज वगैरह आके विजिट कर सकें और यहाँ पे व्यू प्लस फूड का मज़ा उठा सकें। दैट वाज अवर फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर ओपनिंग दिस कैफे। तो गाइज मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो ये कैफ़े है मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ये जो कैफ़े है ये थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा हटके है और यहाँ का व्यू शांति और मज़ा आता है, यहाँ के व्यू में देखने में पूरा पीसफुल है और गर्मियों में तो यहाँ बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पूरा ओपन है, ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, तो मुझे तो मज़ा आया है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर प्रमोटिंग माई कैफे फॉर ऑन योर चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई फ्रेंड्स चैनल वकार व्लॉग्स व्लॉग। तो गाइस जैसे मेरे फ्रेंड ने आपको कहा है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा दूं। चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।